गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आपका कुलदीप कौशिक, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी ले ली है। बहुत सारे फ्रेंड पूछ रहे हैं, जो हमने ये गाड़ी ली है जेड फॉर ऑटोमेटिक, ये रॉ गाड़ी कैसी होती है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा आज की रॉ जो जेड फॉर ऑटोमेटिक है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिलीवरी इसके लेने वाले हैं, लाइनअप हो रखा है, लेकिन लोग बहुत कन्फ्यूज हैं कि ये जेड फॉर होती कैसी है। तो आज का व्लॉग सिर्फ इसलिए है कि जेड फॉर किस कंडीशन में आपको मिलती है और उसमें क्या क्या आपको चेंज कराना पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करता आपको और शुरू करता हूँ वीडियो। तो फ्रेंड ये देखिए, ये गाड़ी का है, ये हमें मिलता है इस गाड़ी का फ्रंट में। ये आप देखिए इस गाड़ी में, ये जो हेडलैम्प आप देख रहे हैं दोनों, ये दोनों के दोनों हेडलैम्प है, ये हेलोजन है, LED नहीं है, इधर भी और इधर भी। ये क्रोम नहीं है, ये सिल्वर लाइनिंग दी है उन्होंने, ये हेलोजन है। ये यहाँ पे इन्होंने जो फॉग लैंप है, ये दोनों के दोनों इस कंडीशन मिलते हैं, इन्होंने ये नहीं प्रोवाइड किया है। तो फ्रंट हमें इस गाड़ी का ऐसा मिलता है, ये चेंजेस इसके अंदर है। और नीचे आई थिंक ये डिफ्यूज़र बोलते हैं, पता नहीं प्लेट बोलते हैं, यहाँ पे इन्होंने प्लेट भी नहीं दी है, ये इस कंडीशन में मिलती है। अब हम चलते हैं, इस गाड़ी का फ्रंट देख लिया आपने, अब हम चलते हैं इसका साइड व्यू। तो फ्रेंड इस गाड़ी का जो साइड व्यू है वो आपको ऐसा मिलता है, ये रॉ है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं कराया। ये जो आप देख रहे हैं, ये फुटस्टेप देख रहे हैं, ये आपको देती है, और ये स्टील के ये देते हैं, ये स्टील के रिम है, इसके ऊपर उन्होंने ये लगा दिया जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इससे इसकी लुक इन्हेंस हो गई है। पर ये आपको ऐसा मिलेगा, 17 इंच के टायर है, ये 245 वाले हैं, ये ब्रिजस्टोन के टायर उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। ये हो गया साइड फ्रेंड, अब आप देख लीजिए। और अभी आपको बताऊँगा थोड़ी देर में मैं और ऐसे फीचर जो हमें इसके बारे में नहीं था, मैं सोचता था होंगे पर वो नहीं है। बैक साइड की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो बैक साइड में ये गाड़ी हमें ऐसे मिलती है, ये रॉ है। नीचे भी स्पॉइलर, कुछ स्पॉइलर वगैरह कुछ दिया नहीं हुआ है, ये आपके इन्होंने शायद लैंप दी है पीछे बैकलाइट करने के लिए, फॉग भी इसी में है। और ये स्कॉर्पियो एन की बैजिंग है। बैक साइड से ये गाड़ी फ्रेंड हमें ऐसे मिलती है, आप देख लीजिए, शॉक फ्री एंटीना मिल जाता है हमें। और अब इस साइड की बात करोगे तो इस साइड भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो ये मैंने आपको रॉ गाड़ी दिखा दी है, ऐसी हमें गाड़ी मिलती है। अब हम बैठते हैं फ्रेंड्स गाड़ी के अंदर और बताता हूँ गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स हमें इसमें रॉ में मिल जाते हैं। यहीं से शुरू कर देता हूँ पहले, ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोई भी पुश बटन नहीं है, ये आपको हाथ से ही खींचने पड़ते हैं। जिस कलर का ये है, इस कलर का ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गाड़ी पूरी ब्लैक फिनिश में आती है। ये सारा हार्ड प्लास्टिक है फ्रेंड, ये एसी वेंट है यहाँ पे, या महिंद्रा का लोगो, ये सब प्लास्टिक है, ये गाड़ी आपको उससे मिलती है। और ये देखिए, ये मिलते हैं हमें सीट कवर, ये फैब्रिक के हैं सीट्स, सारी फैब्रिक की हैं, कहीं पर भी सॉफ्ट नहीं है, पर ये फैब्रिक की आपको मिलती है, कंफर्टेबल है, बैठ सकते हैं। लेकिन ये सारा का सारा ये हार्ड प्लास्टिक है, और ये उठा के आप देख सकते हो इस तरह मिलता है। जेड फोर ऑटोमेटिक है ये, यहाँ पर एक हैंडल भी इन्होंने दिया है, तो क्योंकि गाड़ी बहुत ऊँची है तो चढ़ने उतरने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, अभी मैं ये रिबन वगैरह सब निकाल दूंगा रिव्यू बनाने के बाद। ये हैंडल है, यहाँ पे चाबी का दिया उन्होंने, चाबी लगाएंगे तो ये आप इसके अंदर घुस जाएंगे फ्रेंड। इसको बिना पैर रखे हुए आपका चढ़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ इन्होंने ये जो हाई टॉप एंड मॉडल के अंदर अच्छे प्लास्टिक पियानो फिनिश में आते हैं, लेकिन ये इन्होंने रफ दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इसमें है। ये भी फैब्रिक दिया हुआ है, ये चाबी के लिए दिया हुआ उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब है ये गाड़ी हमें यहाँ से पकड़, ये देखिए अंदर, ये रॉ गाड़ी हमें ऐसी मिलती है। ये ऑटोमेटिक का हुआ है, ये कप होल्डर है सामने, ये हमारा म्यूजिक सिस्टम भी लगा रखा है। यहाँ पे इन्होंने कप होल्डर तो दो दे दी हैं, लेकिन ये LED लाइट यहाँ पे नहीं है, बटन तो है लेकिन यूज़ के नहीं है, लेकिन उन्होंने ये प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप अपना सनग्लासेस रख सकते हैं, और इसमें भी सनग्लास नहीं, और इसमें मिरर नहीं है, उसमें वैनिटी मिरर नहीं है, ये आपको पता ही है, हर गाड़ी में एक जैसा आता है। अब हम चलते हैं बैक सीट पर, बैक सीट की कंडीशन ऐसी है। तो ये हमें गाड़ी ऐसे रॉ में मिलती है, ये यहाँ पर AC वेंट दिया इन्होंने, चार्जर भी नहीं दिया हुआ है। तो जब भी Z4 गाड़ी लेंगे आप, ये Z4 को दिखा रहा हूँ आपको मैं, टॉप एंड मॉडल तो आपने बहुत सारी गाड़ी देख ली होगी, सामने लाइट यहाँ भी दिए इन्होंने, ये LED है, यहाँ पे पकड़ने के लिए दिया हुआ है। तो ये Z4 के फीचर्स हैं।
अब मैं बताता हूँ आपको ऐसे फीचर्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे होंगे लेकिन वो नहीं है, और ऐसा फीचर जो इसमें मुझे उम्मीद नहीं थी पर वो प्रोवाइड किया गया फ्रेंड। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको जो फीचर मुझे मिला है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिससे गाड़ी को आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये मेरी सफारी में नहीं था, ये यहाँ पे मुझे मिलता है, ये आप इसको नीचे कर सकते हैं। अभी गाड़ी बंद है मेरी, गाड़ी बंद होने के बाद मैंने शीशा भी खोल लिया था लेकिन तब भी मेरा ये देखिए ये भी मेरा खुल रहा है, ये ऊपर भी हो रहा है और ऐसे ही देखिए। जबकि पहले वाली गाड़ी मेरे ऐसा होता नहीं था, ये लोअर मॉडल है, टॉप एंड मॉडल नहीं। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है पर बटन का यूज़ नहीं है। जिस फीचर की आपसे मैं बात कर रहा था मुझे लगा था कि ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर जो ये ORVM है ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं हम इसके, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग नहीं है फ्रेंड। ये ध्यान रखना कि ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर भी ये ORVM आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं कर सकते। मुझे लगा था मैं कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं कर सकता, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। और बताता हूँ आपको इसमें इसके अंदर एक खास बात है कि मुझे लगा था कि ये स्टेयरिंग जो है Z4 के अंदर ये जो स्टेयरिंग है ये हाइड्रोलिक आता है, लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर ये इलेक्ट्रिक है फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रिक मिलता है हमें स्टेयरिंग, वो ORVM आपका फोल्ड नहीं होता है। और इसके अंदर एक फ्रेंड बटन और दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये क्या है कि ये वही है, रेड लाइट पे गाड़ी ऑटो बंद हो जाती है। ये फायदा भी है नुकसान भी है, स्टार्ट होते ही ये गाड़ी का अगर नहीं करते रेड लाइट पे बार बार बंद होती है, इसका फायदा कम है नुकसान ज़्यादा है। ये इन्होंने बटन दिया हुआ है, ये वर्किंग है हैजार्ड के लिए, ये ट्रैक्शन ऑफ करने की वर्किंग है, ये हिल डिसेंट कंट्रोल भी है, ड्राइव मोड भी वर्किंग है, ये साउंड सिस्टम इन्होंने दिया है, म्यूट करने के लिए बटन यहाँ पे लगा रखा है। ये सारे फंक्शन तो नॉर्मल गाड़ियों में होते हैं। तो यहाँ पे चार्जर दिए हुए हैं, आप अपना मोबाइल यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, तो ये आपका मोबाइल रिसीव करने के लिए, रिसीव काटने के लिए, वॉल्यूम करने के लिए, और ये क्रूज दे रखा है। और ये जो बटन यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने देखा है, इसी से आप इसको अभी आपने को चेंज करना तो आप वो चेक कर सकते हो, ऊपर नीचे करने के लिए है। तो फ्रेंड एनालॉग मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं इसको चालू करता हूँ गाड़ी को। फाइनली मेरा ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं GoPro से कर रहा हूँ फ्रेंड। अब ये देखिए आप जब खोलते ऐसा आता है, इसको बंद कर, ये म्यूट कर दिया मैंने, ये देखिए ये सामने मेरा ऐसा आता है, ये मेरी माइलेज आनी शुरू हो गई है। जिप जैप जूम यहाँ से करते हैं आप, ये मैंने किया देखिए, जैसे पुश करता हूँ वो आ गया जिप जिप, ये आ गया। मैं इस गाड़ी को जिप पे चलाता हूँ, ये ओके हो जाती है, ये आ गया, ये एनालॉग है। और फ्रेंड खास बात इस गाड़ी में मुझे खास बात वो एक और बड़ी मिली है, जो इसकी स्पीड आती है वो डिजिटली आती है, इस एनालॉग में डिजिटल आएगी स्पीड, जैसे कि 12, 14, 15, 16, 17 स्पीड, वरना नॉर्मली क्या होता है आपको मालूम नहीं पड़ता आपकी गाड़ी की स्पीड क्यों। मुझे उम्मीद नहीं थी, वो इन्होंने फीचर इसके अंदर दे दिया है कि आप जब इस गाड़ी को चलाते हैं उसकी स्पीड आपको मॉनिटर डिजिटली कर सकते हैं। FM दे रहे हैं, विचार स्पीकर दे रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने जगह दे दी है भगवान का मंदिर रखने के लिए, ये हैंड भी दे रहे हैं, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छे फीचर इसके अंदर, बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छे फीचर इन्होंने दिए हुए हैं। ये देखिए ये ऐसा मिलता है, जगह काफ़ी कम है। ये कि Z4 अगर आप ले रहे हैं तो आप देख लीजिए Z4, ये सब प्लास्टिक का है, ये हैंड ब्रेक है और ये लोगो आपको मिलता है, ये वन टच भी मिल जाता है। तो इसमें एक ये अगर मैं कह दूँ, और हाँ इसमें कैमरा नहीं मिलता फ्रेंड, सेंसर्स हैं, ना पीछे कैमरा है ना आगे का कैमरा है, वो मुझे बाहर से लगाना है, मुझे पहले ही पता था। तो ये मोटे मोटे काफ़ी फ़र्क है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मुझे इस गाड़ी के अंदर क्या फीचर्स मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं, और इसके जो लाइट्स वगैरह की दादूँ परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन फ़िलहाल ये रॉ गाड़ी हमें देखने को मिली है कि हमें Z4 ऑटोमेटिक में क्या क्या चीज़ मिलते रही हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड ध्यान रखना, Z4 अगर आप मैनुअल लेते हो उसकी पावर 132 BHP है, लेकिन अगर आप लेते हो Z4 ऑटोमेटिक तो 175 BHP मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो Z4 ऑटोमेटिक बहुत वैल्यू फॉर मनी है। और बता दूंगा अभी आपको फाइनली ये कितने का प्राइस है, मच्छर आ गया बीच में फ्रेंड, ये गाड़ी मुझे पड़ी है ऑन रोड 15,95,000 रुपये, इसका बेसिक प्राइस है 15,950 रुपये, उनको TCS लिया है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ही है, जो रिफंड हो जाता है जब इनकम टैक्स भरते हो, 15,950 रुपये उनको इन्वायरमेंटल टैक्स लिया है, 1,29,600 रुपये उन्होंने मेरे से 8% टैक्स लिया है, टैग वैग लगा के दिया जो टोल टैक्स होता है, पेटीएम दे दिया है, पता नहीं मुझे मालूम नहीं था, जो
अब लग गया, देखते हैं क्या होता है। और इन्होंने मेरे से लिया है 23,600 रुपये में 1 ईयर वारंटी दी एक्सटेंडेड, और मैंने कुछ नहीं लिया है तो मोटा मोटा और 59,000 रुपये 59,000 रुपीज का मेरा इंश्योरेंस हुआ है, यानी कि ऑन रोड मुझे ये गाड़ी पड़ी है 18,40,000 रुपये की। 18,40,000 में मुझे ये गाड़ी मिल गई है। इस गाड़ी में क्या कमी है, एक तो कैमरा नहीं है, जो कैमरा लगवाना पड़ेगा, अपडेट मिल जाएगा। अलॉय भी नहीं है, मुझे लेना पड़ेगा सिल, मैट भी लेने पड़ेंगे, मड फ्लैप भी लेना पड़ेगा, और इतनी कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। क्रोम लगाना आप लगाइए, ये ORVM कह रहे हैं भाई साहब लग तो जाएंगे, बट 10,000 रुपये खर्चा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जब ये कभी टूटेंगे ना चलते हुए, तो तभी मैं इसमें नए लगवा लूँगा, वो इसकी ज़रूरत नहीं है, फोल्डेबल से काम चल जाएगा। तो ये मोटे मोटे फीचर्स हैं जो कि होने चाहिए, इसके अंदर नहीं है, वो हम आउटसोर्स कर लेंगे। और ऐसा कोई फीचर इसमें नहीं है फ्रेंड कि जो नहीं चाहिए था। तो Z4 ऑटोमेटिक वैल्यू फॉर मनी है, आप जाइए और कमेंट बॉक्स में डालना अगर कोई क्वेश्चन, कमी पेशी रह गई है तो वो मैं बता दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल जो मैंने सेटिंग की हुई है इसकी, ये माइलेज की है, अभी माइलेज मुझे 13.8 की मिल रही है। यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ ये बटन है, देखिए देखिए ये स्पीड देखिए आपने, ये जो 12 है ये 14 हो गई, ये इसके अंदर डिजिटली आ रही है फ्रेंड, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये है एक बटन यहाँ पे, इस बटन को पुश करने के बाद ही मुझे मालूम पड़ जाता है, इसमें फ़ीचर्स सारे आ जाते हैं जो भी आपको एनालॉग में चेंज करना है। तो अभी ये स्पीड है इसकी 141 किलोमीटर गाड़ी मेरी चल चुकी है, 15 किलोमीटर की इसकी। ये देखिए ये फ्रेंड यहाँ पे जैसे नहीं है, इसको ऑफ करना पड़ता है बार बार, बहुत दिक्कत होती है। जैसे मैं गाड़ी को रोक लेता हूँ, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। ये आपका एनालॉग है, देख लीजिए आप, ये अब जीरो स्पीड हो गई है, ये अगर ऑफ नहीं करता तो गाड़ी अभी बंद हो जाती है। ये मिलता है देखने को, ये FM भी, आप आवाज़ भी सुन लीजिए, 91.1 FM आवाज बिल्कुल, आवाज काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं इसको और बटन दबाता हूँ तो और आ जाते हैं इसमें 17 किलोमीटर एक घंटे चलती है। जैप का मैंने मोड लगा रखा है, डी पे मेरी गाड़ी है, मैं इसे न्यूट्रल कर देता हूँ फिलहाल, ये न्यूट्रल हो गया, अब मैं गाड़ी का छोड़ देता हूँ। एनालॉग काफी अच्छा है, डीजल पेट्रोल मुझे दिखा रही है, अभी मैं इसमें थोड़ा फैमिलियर नहीं हूँ, दिखा रही है भाई, तो सीखना पड़ेगा इसको। ये इधर क्रूज का है, अगर क्रूज लगाना तो वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड की गई हैं, जो मुझे उम्मीद नहीं था कि यार ये डिजिटली आती होगी, लेकिन ORVM इलेक्ट्रिकल नहीं है। तो आई थिंक मोटा मोटा आपको ख्याल लग गया होगा कि ये रॉ गाड़ी है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा भाई साहब इस गाड़ी के अंदर कुछ कराना चाहिए। इस गाड़ी के अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं लग रही मुझे कि मुझे पैसा उस लगाना चाहिए। वो स्पीकर है, आवाज़ आपने सुन ली है, काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन गाड़ी लगाई है। इस गाड़ी की पावर 175 है, ध्यान रखना जो ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, मैनुअल खरीद रहे हैं Z4, उसकी पावर 132 BHP है, स्पेशली जो अगर आप 4x4 लेते हैं तो आप सोच समझ के लेना। एयर बैग 2 है इस गाड़ी के अंदर, रो आपने दे दिया, फॉग लैंप वगैरह नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये काफ़ी क्लियरिटी होगी होगी जो भाई Z4 लेने वाले हैं। चार्जर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं थी गाड़ी इतनी साफ सुथरी होगी, पर गाड़ी में काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं, स्पेशली ये जो वन टच, ये देखिए ये वन टच वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको फ्रेंड्स, जो टॉप एंड आदमी गाड़ी यूज़ करता है उसके बाद जब नीचे वाले मॉडल में आता है तो उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है, जैसे कि मुझे भी कई चीज़ों में तकलीफ़ हो रही है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल ये बताया कि मैंने Z4 आपको मिलती कैसी है, क्योंकि बिल्कुल भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और भी कोई क्वेश्चन अगर हो गया हो, 18,40,000 रुपये की मेरे को ऑन रोड गाड़ी पड़ी है, इसमें ये ORVM इलेक्ट्रिकल नहीं है और स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक मिलता है भाई, और अगर लोगे ना आप Z4 मैनुअल, उसमें हाइड्रोलिक मिलता है, काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है, डिजिटल आपकी रीडिंग आ जाती है इसमें। और पूछिए, जो पूछना आप पूछ लेना। तो अभी चलेंगे, अलॉय व्हील के बारे में भी मैं खबर लगवा रहा हूँ, कहीं से मुझे मिल जाए तो अलॉय व्हील ढूंढने चलूँगा, मिल गए तो आपसे शेयर करूँगा। नंबर प्लेट आ गई है, इसकी नंबर प्लेट लेने चलते हैं, और मिलता रहूँगा आपको फ्रेंड। अब तो व्लॉग डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।